विद्यालय में एक नए बालक ने प्रवेश लिया। नाम था विकास। पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, देखने में भी अच्छा लगता, पर उसके स्वभाव में एक बात थी जिससे उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे दूर ही रहते। विकास को कक्षा में आए 2 महीने हो गए थे, पर अभी तक उसका एक भी मित्र नहीं बना था। बनता भी कैसे? हर वाक्य बोलते हुए विकास एक न एक अपशब्द का प्रयोग अवश्य करता। कभी कभी तो गुरुजी के सामने भी बोल देता और उनसे डांट खाता। जब एक दो बार ऐसा हुआ तो गुरुजी ने उसे समझाया कि असभ्य शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। विकास एक दो दिन तो उनकी बात स्मरण रखता, फिर स्वभाववश कुछ गलत बोल उठता जिस पर उसके सहपाठी नाराज हो जाते। कक्षा की लड़कियां तो उससे कोसों दूर भागती। एक दिन गुरुजी के कक्षा में घुसते ही गाने के बोल सुनाई पड़े, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बच्चे अचंभे में पड़ गए कि क्या आज गुरुजी हमें गाने सुनाएंगे। लगता है वे हमें देश प्रेम या देशभक्ति की कोई कहानी सुनाने वाले हैं। गुरुजी ने बटन दबाया और गाना तुरंत बंद हो गया। गाने के बोल जो आपने अभी अभी सुने, ना जाने कब कहां गाए गए थे। इस रेडियो की ऐसी की तैसी, आजकल तो तुम फिर असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो। चुप रहो और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने तुम सबको बताया था कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली में हुआ। इन्हें रेडियो प्रसारण का जनक कहा जाता है। इन्हें 1909 में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर सच कहें तो ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ध्वनि तरंगों से आवाज पकड़कर प्रसारित करने का तरीका निकाला। अन्य अनेक वैज्ञानिक जिनमें भारत के सत्येंद्र बोस का नाम भी आता है शामिल थे। हाँ, मार्कोनी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाकर रेडियो द्वारा समझ आने वाली भाषा में प्रसारण के योग्य बनाया। हाँ, मार्कोनी को अन्य वैज्ञानिकों से अधिक सफलता अवश्य मिली क्योंकि उन्होंने रेडियो और इनसे जुड़े अनेक उपकरणों को बाजार में उतारा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते उन्होंने बटन दबा दिया और कक्षा में फिर से वही आवाज गूंज उठी। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। पूरी कक्षा साथ साथ गाने लगी। उनकी आवाज में गर्व और जोश था। ये सभी शब्द जिन्हें आप एक गाने के रूप में सुन रहे हो, ध्वनि तरंगों के यंत्रों द्वारा पकड़कर रेडियो से सुनाया जा रहा है। गाने वाले ने ना जाने इसे कब और कहां गाया होगा, पर उसकी आवाज को आप उसी रूप में सुन रहे हैं। आप सभी नहीं, विश्व भर में इस गाने को सभी सुन सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, वो आकाश में ध्वनि तरंगों के रूप में घूमता रहता है। वो कभी नष्ट नहीं होता। यदि हम एक अशुद्ध शब्द कहते हैं या किसी शब्द का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो वो शब्द नभ में उसी रूप में हमेशा घूमता रहता है। इस तरह वो वातावरण को दूषित कर देता है और गलत विचारों को प्रसारित करता है। अब आप स्वयं ही सोच लें कि हमारे द्वारा बोली गई असभ्य भाषा का प्रकृति और वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विकास पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने सब सुना, समझा। कुछ दिन तो वो कक्षा में बिल्कुल चुप्पी साधे रहा, फिर धीरे धीरे वो अपने सहपाठियों से बातें करने लगा, बिना किसी अपशब्द को बोले, मधुर आवाज में।
सही